इमरान खान साहब, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप ना, आप क्रिकेट कोच बनते तो शायद आपका पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, मैं आपका फ़ैन रहा हूँ उन दिनों। एज पॉलिटिकल लीडर आप बहुत बुरा परफॉर्मेंस है आपका। आप ऐसी बेतुके बातें कर रहे हैं कि जो एकदम अनपढ़ गंवार करते हैं इस तरह की बातें, कि सिनेमा को देख के आपके कंट्री में लोग मोबाइल, आपको एक बात और बता दूँ मैं, आपके पाकिस्तान से एक एक्टर आया था मेरी फिल्म में करने के लिए काम, और इत्तेफाक से उस दौरान मेरा गुलमकई का शेड्यूल नहीं बना तो लौट के गया। वो अपना मोबाइल नहीं निकाल रहा था इस शहर में। जब उसको मैंने पूछा कि मोबाइल क्यों नहीं निकाल रहा, बोले भाई स्नैच हो जाएगा। बोले मैंने कहा कि इस शहर में स्नैच नहीं होता, हमारे कंट्री में, ये तुम्हारे कंट्री में होता। तो हंसने लगा वो, फिर वो मोबाइल निकालने लगा था। खैर, आपकी कंट्री से एक लड़की जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, जो अपने सर पे जो गोली लगी, जिसकी अल्लाह ने उसकी जान बचाई, उसको दुनिया ने सराहा कि उसको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया, वो पीस एम्बेसडर बनी, इस डिकेड की सबसे बड़ी लीडर है, आप लोग को एक बार नहीं लगता कि उसे बुला लेना चाहिए अपने कंट्री में, अपने वतन पे ऑफिशियली इन्वाइट किया जाए कि मलाला तुम आ जाओ हमारे कंट्री में? अभी वो गई थी अपने घर, वहाँ पर दो न्यूज़ चैनल ने उनका कवर किया है न्यूज़, आपसे ना मिल पाई वो, ना आप उनको मिले। मैं उनके अभी बात किया उनसे कि आप जनरल कयानी से बोले, मैं नहीं कभी नहीं मिले। आप किसी वहाँ के किसी मिनिस्टर से मिले, नहीं हम नहीं मिले, हम अपने वतन गए, हम दो चार छोटे मोटे इंटरव्यू किए और हम चले गए। आप सोचिए आप कहाँ खड़े हैं, आप लोग किस तरह की बात करें। आपके रसायन पे आपको इससे पहले नोबेल मिला है, उनको आपने उन दिनों कहा था कि आप जो हैं आप वेस्टर्न कल्चर से हैं, आपको इस कंट्री से हम निकाल देंगे। आप लोग ये फंडामेंटलिस्ट जो मेंटेलिटी है ना, इससे बाहर आइए, और दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप भी बढ़िए प्लीज़। ये इनको सच में, इन्हें क्रिकेट कोच बनना चाहिए था, पता नहीं ये क्यों बन गए, इतना बड़ा अहदा इन्होंने ले लिया। खैर, हिंदुस्तान का कल्चर के वजह से आपके कंट्री में जो भी कुछ हुआ है अभी तक का, वो जो उजागर हुए हैं लोग वहाँ पर, अगर वहाँ पर अवेयरनेस आया है तो हिंदुस्तानी फिल्म को देख कर आया है, माई नेम इज़ खान को देख कर आया है, लगान को देख कर आया है। रही बात आपका बड़प्पन का, जो आप करते हैं बड़प्पन, मैं आपको एक बात कह दूं खान साहब, कि आपकी धरती की लड़की मलाला यूसुफ़ज़ई, जिस पे आपके सरकार ने, आपके सरकार के गलती के वजह से, वतन आपका ही है, आपके वतन के गलती के वजह से $200 मिलियन आप लोग देते हैं मोहम्मद फजलुल्लाह जैसे इंसान को, और वो अपना रेडियो स्टेशन खोलता है और सुबह उठ के वो रेडियो स्टेशन से ये कहता है कि कल से लड़कियाँ स्कूल नहीं जाएगी, वो शर्मिंदगी आप लोग को आती नहीं है, फिर भी आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप खुद को अभी तक संभाल नहीं पाए। पाकिस्तान आपके साथ जब हमारी लड़ाई हुई, जब अभी हमने यहाँ पर पुलवामा अटैक हुआ, हमने बालाकोट स्ट्राइक किए, हमारा एक सोल्जर आपके धरती पे गिरा, और आपने महानता ये दिखाया जिनेवा कन्वेंशन के बिना कि मैं अभिनंदन को लौटा रहा हूँ, और उसके बाद आपके अलग अलग पेपर से, न्यूज़ से ये खबर बाहर आया कि आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए क्योंकि आपने अभिनंदन लौटाया। हम आपको एक बात कह दें कि हमने एक फिल्म बनाई है अभी मलाला यूसुफ़ज़ई पे, जिसका नाम है गुल मकई। वो मलाला यूसुफ़ज़ई जो नोबेल पीस प्राइज से जिसको नवाजा गया है, जो पूरी दुनिया के सामने पीस एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन की, इस डिकेड की सबसे बड़ी लीडर मानी जा रही हैं, वो आपकी सरजमी की हैं, और उसे हिंदुस्तान में बनाया गया उस फिल्म को। सच में आप ना इस तरह की बातें करना बंद करें, और आप सिर्फ फोकस करें, आपका GDP का कंडीशन बहुत ख़राब है, आपका इकोनॉमी बहुत टूटा हुआ है, वर्ल्ड बैंक से आप लोग खारिज हैं, आप अपना ख्याल रखें, और ये ना हो जाए कि आपका इकोनॉमी एकदम जीरो हो जाए और दुनिया से आप एकदम बेसहारा हो जाए।